आ गए हॉल नंबर 4 में और यहाँ पे बाहर की कंट्रीज के भी स्टॉल लगे हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और थाईलैंड हो गया। तो चलिए चलते हैं और आपको विजिट करते हैं। गाइस, अगर आप दिल्ली में हैं और मौका लगे तो यहाँ ज़रूर विजिट करें, यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, थाईलैंड से आए हैं ये, यहाँ पे थाईलैंड के कई स्टॉल हैं और यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज वगैरह लेकर आए हैं। तो ये देखिए, डिफरेंट हेयर एक्सेसरीज हैं यहाँ पर और बहुत तरह के ब्रोचेज़ वगैरह हैं। तो आप इस तरह के हेयर का शौक रखती है तो यहाँ पर आकर आप परचेज कर सकते हैं। और आगे हम आपको विजिट कराते हैं। देखिए, आगे चलते हैं हम और यहाँ पे मेरे को ज़्यादातर जो है थाईलैंड के जो स्टॉल्स हैं वो ज़्यादातर हेयर एक्सेसरीज के हैं। ये देखिए इयररिंग्स वगैरह हैं और हेयर एक्सेसरीज वगैरह हैं। ये सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर एक्सेसरीज ज़्यादा हैं। तो अगर आप इस तरीके का शौक रखती हैं तो आप यहाँ पे आ सकती हैं। ये देखिए, बहुत खूबसूरत एक्सेसरीज है और बहुत डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पर इनके पास। यहाँ चॉइसेस बहुत है आपके लिए। ये भी एक थाईलैंड का स्टॉल मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, तीन स्टॉल लाइन से हैं और तीनों में डिफरेंट स्टाइल की हेयर एक्सेसरीज हैं, हेयर क्लिप्स हैं, ब्रोचेस हैं, बैग्स हैं। तो आपके लिए बहुत चॉइस है यहाँ पर। ये देखिए, थाईलैंड के कई स्टॉल्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट चीज़ें लेके आए हैं। ये मेकअप का कॉस्मेटिक्स का स्टॉल है, यहाँ पे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के। और ये यहाँ पे थाईलैंड का ज्वेलरी का स्टॉल है, मैं आपको दिखाती हूँ इसका भी एक लुक देती हूँ आपको। बहुत भीड़ है स्टॉल के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे इनकी ज्वेलरी सेल कर रही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है। ये देखिए, स्टोन ज्वेलरीज की अच्छी कलेक्शन लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक और थाईलैंड का ज्वेलरी का स्टॉल है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ज्वेलरीज। देखिए, ये देखिए, ऐसे कई स्टॉल हैं यहाँ पर और आपको स्टेटमेंट ज्वेलरी का शौक है तो यहाँ पर आप एक ट्रायल ले सकते हैं। ये थाईलैंड के पर्ल्स वगैरह लेकर आए हैं, इसके ब्रोचेस हैं और बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। देखिए, बहुत खूबसूरत देखिए नेकलेसेस हैं और इयररिंग्स हैं। तो डिफरेंट कलेक्शन है, डिफरेंट टेस्ट है, तो आप यहाँ पर आकर एक ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पर्ल ज्वेलरी का शौक है तो। बोल टर्की से आए हैं और हम इनका स्टॉल आपको दिखाते हैं। देखिए, कितनी खूबसूरत लाइट्स लेकर ये आए हैं, कलरफुल और डिज़ाइनर लाइट्स हैं। देखिए, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, और बहुत खूबसूरत लाइट्स हैं, सारे इंटीरियर के आइटम्स हैं। ये देखिए, ये आए हैं राजस्थान से और यही लेके आए हैं यहाँ पर। देखिए, बुके बहुत डिजाइनर और खूबसूरत बुके है यहाँ पर। देखिए, ये वाला स्टॉल है, लेबनान का है। यहाँ पे भी बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स है। स्टॉल है टूनिशिया का, टूनिशिया से लेके आए हैं अपने वहाँ के प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर ये वुडन के बहुत ही अट्रैक्टिव और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, बहुत ही यूनिक वे में बनाए गए इन प्रोडक्ट्स को। और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ के और डिफरेंट आइटम्स भी लेकर आए हैं। तो
यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट कंट्री के प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और परचेज करने को मिलते हैं। ये स्टॉल है दुबई का और यहाँ पे दुबई के सूट्स जो हैं डिस्प्ले करे हुए हैं। ये दुबई के सूट्स जो हैं सेल के ऊपर हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी खासी कलेक्शन है पार्टी वेयर सूट्स की। अफगानिस्तान से देखिए लेके आए हैं ड्राई फ्रूट्स, जो कि अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट सबसे बढ़िया अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। ये देखिए तो बहुत अच्छी रेंज की ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लेकर आए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की, तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। इसका क्या दाम है, इसका प्राइस 1800 किलो। देखिए गाइस यहाँ पर ट्राइबल दुपट्टे भी हैं, जैसे कि बहुत खूबसूरत साड़ियों की रेंज है यहाँ पे। और क्या रेंज से शुरू होती है साड़ी अपनी? हैं जी ये इधर 1500 का, 1500 रुपये का। ये इधर 8000 का तसर में। कितना? 8000 का। ये फैब्रिक क्या है? ये तसर में, तसल सिल्क। अच्छा, और ये वाला जो है साड़ी है? अच्छा, और ये फैब्रिक क्या है? लेलन में। कैमरा लगाऊंगा बहुत सारे एक डबल 400 के दो डबल कलर और बताओ। और गाइस हम आ गए फाइनली हॉल नंबर 5 में, फर्स्ट फ्लोर पे। तो चले आपको यहाँ दिखाते हैं कौन कौन से स्टॉल्स लगे हैं। ये देखिए यहाँ गाइस यहाँ पे अलग अलग क्राफ्ट के लोग बैठे हुए हैं और अलग अलग क्राफ्ट यहाँ पे डिस्प्लेड हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है यहाँ का। ये देखिए यहाँ पॉटरी के लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखिए गोंड आर्ट की पेंटिंग का यहाँ पर काम चल रहा है। और ये यहाँ पे बैठी हैं, एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही हैं। ये कर्नाटका से आई हैं और ये देखिए लंबानी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हैं। और ये यहाँ पर देखिए ये भी कर्नाटका से आए हैं, ये यहाँ पर टॉयज़ और डॉल्स बनाते हैं वहाँ पर। और ये देखिए किस तरह से इसे प्रोसेस होता है पूरा इसका, वो रखा हुआ है डिस्प्ले के ऊपर और मशीन पे इसे काम करते हैं वुडक्राफ्ट का। ये उत्तराखंड से आए हैं, देखिए हैंड पेंटेड बैग्स वगैरह हैं, इन्होंने अपने स्टाइल की पेंटिंग वहाँ की उत्तराखंड की पेंटिंग यहाँ पे बैग्स पे डिस्प्ले करी हुई है। छोटे छोटे पर्सेस बना रखे हैं, तो यहाँ पर आपको सब डिस्प्ले मिलेगा। बहुत खूबसूरत देखिए बैकड्रॉप बनाया हुआ है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो चारों तरफ बॉडी आर्ट बनाई हुई है और ये बैम्बू की पीछे देखिए पूरी प्लेट्स लगा के बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है। और ये देखिए झारखंड से आई हुई है, ये यहाँ पे हमने इसका डेमो भी देखा था, बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क।
और ये आए हुए हैं कर्नाटका से मोहम्मद सलीम जी। जिंग जिंग को क्या करते हैं, इंगले करते हैं, डीजन डालते हैं, अच्छा डीजन डाल के, अच्छा डीजन डाल के फुटवाई करते हैं, अच्छा डीजन डाल के फुटवाई करके इसके अंदर चांदी बजाते हैं, ये चांदी वर्क होता है। उसके बाद फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग के बाद क्या होगा, पूरा फिनिशिंग होने के बाद उसको मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में डालने के बाद ये जो चांदी का काम है ना, ये सब दिखेगा, ये जो मटेरियल है ना जिंग है तो काला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चांदी चमकेगा, थोड़ा तेल लगाने का कपड़े का लगा के साफ करके सिल्वर पॉलिश लगाने के बाद शाइन इसकी बनी रहेगी फिर। हाँ हमेशा, ये कर्नाटक का है, कर्नाटका का। और इसका क्या प्राइस होगा अगर 4000 रुपये का। इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता होगा आपको? बहुत टाइम ये लगेगा, इसको 3 दिन लगेगा, 3 दिन लग जाएगा इसको, 2 दिन लगेगा इसको, लगेगा 2 दिन इसको, लगेगा 1-2 दिन इसको, लगेगा 5 दिन। तो देखिए गाइस, ये चांदी का वर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर इनले वर्क जिंक के ऊपर, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर आके आप इसका पूरा डेमो देख सकते हैं और तरह तरह के आर्ट वर्क के बारे में जान सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका क्या प्राइस होगा? ये देखिए आपको 7000 में आएगा, और इसका प्राइस है 7000 रुपीज। और रियल इस पे वो लगी है चांदी? हाँ अभी लगी नहीं, लगना है, लगा रहे हैं अभी, डीप करें ना, ये डीप करें नहीं, लेकिन जो आपने इसमें लगाई हुई है वो तो प्योर चांदी होगी ना? हाँ प्योर, 100% चांदी, 100%। ये देखिए प्योर सिल्वर से ये पूरा इसका वर्क करते हैं इसके ऊपर। यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो आए हैं गुजरात से पिटोरा पेंटिंग लेके अपनी, और यहाँ पे ये उसका बिल्कुल लाइव डेमो दे रहे हैं, और यहाँ पे बैठ के ये अपने यहाँ के ट्रेडिशनल पेंटिंग को पेंट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है गाइस, यहाँ आकर आप यहाँ के लोगों को खुद अपने अलग अलग स्टेट से आकर अपनी आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करते हुए लाइव दे सकते हैं, और अपनी कंट्री में अपने देश में जो इतनी कल्चर है, विविधता है, इतना आर्ट है, क्राफ्ट है, उससे खुद को रिलेट कर सकते हैं। और गाइस फाइनली हम आ गए यहाँ पे फूड जोन एरिया के अंदर, और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है, राजस्थान का है, पंजाब का है, दिल्ली का है, और भी बहुत सारे स्टेट्स के फूड स्टॉल्स हैं। तो आप यहाँ पे अपना मनपसंद फूड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको हमारा ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की जर्नी बेहद पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।